शीट नंबर 90 में एग्जांपल सिर्फ एल आर सर्किट का है, एलसीआर का नहीं है, ओनली एल एंड आर। एल और आर सर्किट में जो मेन फॉर्मूला यूज करने हैं, मैं दो लाइन में आपको बता देता हूँ, फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो इसमें एक रजिस्टर है, ठीक है, एक रजिस्टर है और एक इंडक्टर है, ठीक, और ये एसी सर्किट है ऐसे। तो ये एल है और ये आर है, ठीक। पहला फॉर्मूला बोलो, इसमें इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या लगेगा? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर, पहला फॉर्मूला। इसमें टेन ऑफ फाइव का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? टेन फाइव विल बी इक्वल टू वी एल डिवाइडेड बाई वी आर, वी सी तो है ही नहीं। या फिर इसमें टेन फाइव का एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एक्स एल डिवाइडेड बाई आर, क्लियर है। और इसके अंदर कॉस फाई का फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं, कॉस ऑफ फाई का फॉर्मूला अभी क्या किया था एल सी आर में, आर बाई जेड, पर जेड इसमें ये पुट करेंगे, क्लियर है यहाँ तक। अगर मेरे पास ओनली रेजिस्टेंस होता, ठीक है, ओनली रेजिस्टेंस होता, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती? रेजिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते? आर से। एल और आर में रेजिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इंपीडेंस से। और इंपीडेंस का सिंबल क्या होता है? जेड। जो काम इसमें आर, वो काम इसमें जेड। तो अगर मैं ई आर एम एस को आर से इसमें डिवाइड करता तो मेरे पास आई आर एम एस आता। लेकिन इसके अंदर अगर मैं ई आर एम एस को किससे डिवाइड करूंगा? जेड से, तो मेरे पास क्या आएगा? आई आर एम एस। मतलब ई आर एम एस में आर करेंगे तो आई इसमें आएगा, इसमें जेड करना पड़ेगा तो आई आर एम एस आएगा, क्योंकि इसमें टोटल रेजिस्टेंस आर है, इसमें टोटल रेजिस्टेंस जेड है। उसी तरीके से अगर मैं ई नॉट को आर से डिवाइड करता तो क्या आता? आई नॉट। ऐसे ही अगर मैं ई नॉट को जेड से डिवाइड करता तो क्या आता? आई नॉट। तो समझ में आ रहा है यहां तक? जो काम उसमें आर कर रहा है वो काम इसमें अब जेड करेगा। तो ये फॉर्मूला सारे क्लियर है, ठीक है। ठीक, तो इसके बेस पे क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन पढ़ना। देखो इसके अंदर क्वेश्चन में व्हेन एन इंडक्टर एल एंड आर आर इन सीरीज, एल आर सर्किट है, 12 वोल्ट की सप्लाई है, तो जब कुछ ना गिवन हो तो ई आर एम एस है, फ्रीक्वेंसी 50 गिवन है, करंट 0.5 एम्पियर फ्लोज इन दी सर्किट, क्योंकि ये एसी करंट है, कुछ गिवन नहीं है तो आए आर एम एस है। वो कह रहा है फेज फाई की वैल्यू कितनी है? पाई बाई 3, आर निकाल लो। अब इस केस में जो कॉस फाई होता है वो क्या होता है? आर बाई जेड। आपको इस क्वेश्चन में अगर फाई तो गिवन ही है, फाई तो गिवन ही है इस क्वेश्चन में, ये रहा फाई, मैं जेड बता दूं आंसर आ जाएगा आर का। अब जेड के लिए एक तरीका है, आपको ई आर एम एस गिवन है, आपको आई आर एम एस गिवन है। मैंने अभी आपको बताया था कि आई आर एम एस क्या होता है? ई आर एम एस डिवाइडेड बाय जेड। तो जेड क्या होगा? ई आर एम एस बाय आई आर एम एस। तो अगर आप ई एम एफ आर एम एस को करंट आर एम एस से डिवाइड करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस आएगी, और एल आर सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड। तो ये जेड आ गया। अब आपके पास जेड आ गया, फाई गिवन है, सॉल्व करके क्या आ गया? आर आ गया। मेथड समझ में आ रहा है यहाँ तक? देखो जब फाई गिवन होगा तो कोई भी फॉर्मूला यूज करें, चाहे टेन फाई का चाहे कॉस फाई का, एक तो यूज करना पड़ेगा, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट 19 देखें।
बल्ब जिसकी रेजिस्टेंस गिवन है 10 ओम, इसका मतलब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, आर। तो ये आर की वैल्यू गिवन है, कनेक्टेड टू एल इन सीरीज विद एसी सोर्स मार्क्ड 100 वोल्ट। आर भी है एल भी है, आर एल सर्किट है, कुछ गिवन नहीं है। तो ये ई आरएमएस है, तो ई आरएमएस की वैल्यू कितनी गिवन है, 100 वोल्ट है। फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, आर आपको गिवन है, और फेज आपको गिवन है पाई बाई फोर, फाइव भी गिवन है। क्या निकालना है, एल निकालना है, टेन फाइव या कॉस फाइव कोई भी एक फॉर्मूला यूज करो। मान लो टेन फाइव यूज करते हैं, एल आर सर्किट में टेन फाइव क्या होता है, एक्स एल बाई आर। एक्स एल क्या होता है, एल ओमेगा, ओमेगा क्या होता है, 2.2 फ्रीक्वेंसी। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको फाइव पता है, टू पता है, पाई पता है, फ्रीक्वेंसी पता है और आर पता है। क्या नहीं पता तो एल, आंसर क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है यहां तक, क्वेश्चन नंबर 20। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कॉइल जिसकी रेजिस्टेंस आर गिवन है, इंडक्टेंस एल गिवन है, फ्रीक्वेंसी आपको एफ गिवन है, फेज डिफरेंस फाई निकालना है आपको करंट और वोल्टेज का। टेन फाई का फॉर्मूला लगा लो, टेन फाई क्या होता है, एक्स एल बाई आर। तो ओमेगा क्या है, 2.2 फ्रीक्वेंसी। आपको फ्रीक्वेंसी पता है, आपको इसमें एल पता है, आपको इसमें आर पता है, आंसर वन आएगा। टेन फाई अगर वन है तो फाई क्या आएगा, 45 डिग्री। ठीक है यहाँ तक, 21। देखो इस क्वेश्चन के अंदर 21 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता भी है। अ कॉइल व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस 10 वोल्ट डीसी, अब इंपॉर्टेंट है डीसी, डीसी सुनते ही एक्सएल तो सीधा मन में जीरो, एक्सएल तो होगा ही नहीं। तो फिर क्या होगा इंडक्टर का, सिर्फ आर, क्योंकि इंडक्टर किसी मटीरियल की बनी होगी आर, और एक्सएल तो तब क्रिएट होता है जब एसी होता है। तो इस केस में सप्लाई द करंट ऑफ 2 एम्पियर। तो एक बात बताओ कि अगर V DC के लिए V पता है और I पता है, और V और I को डिवाइड करेंगे तो सिर्फ क्या आएगा, R, क्योंकि V और I को डिवाइड करके DC में R ही मिलेगा आपको, कुछ ही मिलेगा। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि सेम चीज को अगर मैं इस इंडक्टर को किस में कनेक्ट करूं, AC, तो ये क्या गिवन है, E RMS। तो करंट ऑफ 1 एम्पियर क्या गिवन है, I RMS। तो E RMS / I RMS, तो आपको अब क्या मिलेगा, R नहीं मिलेगा, आपको अब सीधा टोटल रेजिस्टेंस मिलेगी, और इंडक्टर की टोटल रेजिस्टेंस क्या होती है, आर और एल का कॉम्बिनेशन यानी कि जेड मिलेगी। इंपॉर्टेंट है, कभी भी जब एसी पास करोगे ई आरएमएस और आई आरएमएस को डिवाइड करके जेड आएगा, डीसी में आर आएगा। इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है, आर पता है, जेड पता है। अगर मैं पूछूं एक्सएल निकालो, तो जेड क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस
एक्स एल का स्क्वायर, अब आपने जेड निकाल लिया, आपने आर निकाल लिया, सॉल्व करके क्या आ गया, एक्स एल, एक्स एल आ गया, वो कह रहे एल निकाल दो, तो एक्स एल क्या होता है, एल ओमेगा, ओमेगा क्या होता है, 2.2 फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ से सॉल्व करके एल आ गया। मेथड समझ में आ रहा है कैसे करना है, ठीक, क्लियर है, ये रूल समझ में आ रहा है। ठीक, तो 21st के बाद 22, नहीं वैसे बता देता हूँ, पावर हमने की नहीं, चोक कॉइल, चोक इंडक्टर होती है, प्लीज़, चोक इज एन इंडक्टर, तो आरएल सर्किट को चोक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन है, व्हेन 200 वोल्ट डीसी कॉइल के अक्रॉस सप्लाई किया करंट 2 एम्पियर फ्लोस, क्या बताया था, वी और आई को डिवाइड करो तो क्या आएगा, आर आएगा। व्हेन 200 वोल्ट एसी ईआरएमएस गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है, सीपीएस का मतलब साइकिल्स पर सेकंड, हर्ट्ज होता है ये, 1 एम्पियर आईआरएमएस पता है, तो इसका मतलब ईआरएमएस बाय आईआरएमएस आपको क्या देगा, आप सीधा सेट, तो क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालनी है, आर तो निकाल ली थी, चलो आर आ गया, इम्पिडेंस इंडक्टेंस निकालनी है, इम्पिडेंस निकालनी है, इम्पिडेंस भी आ गई, इंडक्टेंस निकालनी है, इंडक्टेंस क्या होता है, एल, तो वही सेम चीज़ है, जेड इसमें क्या यूज़ करेंगे, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स, एल स्क्वायर, आर आ गया, जेड आ गया, तो एक्स एल आ गया, एक्स एल आ गया, तो यहाँ से सॉल्व करके एल भी आ जाएगा आंसर। मेथड समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक, ये क्वेश्चन 26 तो इसके अंदर क्या गिवन है कि 12 ओम की रेजिस्टेंस है, तो आपको इस क्वेश्चन में आर गिवन है, इंडक्टेंस एल गिवन है, सीरीज में है, 130 वोल्ट एसी सप्लाई, तो ये क्या गिवन है, ई, आरएमएस गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट, तो क्या निकालना है, आई आरएमएस, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, ई आरएमएस बाय जेड, अगर आई आरएमएस निकालना तो ई आरएमएस बाय जेड, ई आरएमएस तो क्वेश्चन में गिवन ही है, अब क्या निकालना है, सिर्फ जेड। अब क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, आर पता है, एल पता है, तो निकाल लो जेड, आर स्क्वायर एल ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा क्या होता है, 2.2 फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, सारी वैल्यूज पुट करके क्या आएगा, जेड, जेड आएगा तो आईआरएमएस, और ऐसे ही सेकंड पार्ट में निकालना है फेज डिफरेंस फाई, फाई के लिए फॉर्मूला एक्स एल बाय आर, एक्स एल क्या होता है, एल ओमेगा, ओमेगा क्या होता है, 2.2
फ्रीक्वेंसी, तो सारी वैल्यूज पुट करके टेन फाइव, फाइव क्या आएगा, टेन इनवर्स 0.4167। ठीक, यही तो छोड़ना पड़ेगा, ये तो निकाल नहीं पाएंगे। लेकिन याद रहे, जब आप टेन फाइव निकालेंगे आपको एंड में लिखना पड़ेगा कि ईएमएफ आ गया है कि वोल्टेज आ गया है। तो इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंडक्टर कैपेसिटर तो इसमें है ही नहीं, ये तो इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट है, कैपेसिटेंस तो है ही नहीं, तो वोल्टेज आगे होती है करंट से बाय एंगल ऑफ फाइव। तो इसमें लिखेंगे वोल्टेज लीड्स करंट बाय फेज एंगल ऑफ टेन इनवर्स 0.4167, ऐसे लिखना है। ठीक है यहाँ तक, तो एंड में लिखना होता है ये, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।